एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट हम लोग निकले हैं और आज का प्लानिंग है, हम लोग दूध सागर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। अभी तो फिलहाल यहाँ से नाश्ता करने जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो लेट्स गो। हम लोग निकल चुके हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे, पर हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ खाने का मिल भी नहीं रहा था जिस तरह का मन था, और कुछ खाने का वैसे भी मन नहीं कर रहा था। तो सोचे कि थोड़ा हल्का फुल्का खाएंगे, बट यहाँ पे हल्का फुल्का उतना मॉर्निंग में कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए हम लोग बोले कि छोड़ो, एक बार ब्रेकफास्ट निकलेंगे, रास्ते में कुछ जूस वूस मिल जाता है या कुछ हल्का सैंडविच वगैरह मिल जाता है तो वही खा लेंगे। इसीलिए सोचे कि चलो आगे देख लेंगे, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ का रास्ता देख रहे हैं आप, कितना पहाड़ी पहाड़ी है। ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोग पहाड़ में आए हुए हैं। तो वैसे ही पहाड़ पहाड़ जैसे पहाड़ काट के रास्ता बनाया जाता है, ये वैसे ही दिखने में लग रहा है। और ऐसे है भी बहुत बहुत जगह पे है भी कि पहाड़ काट के रास्ता निकाला गया है। और यहाँ पर हम लोगों को चलते चलते बीच में एक ये मिल गया, गन्ने का जूस मिल गया। तो हम लोग बोले कि चलो गन्ने का जूस ही पी लेते हैं। तो हम लोग दो दो गिलास गन्ने का जूस पी लिए, इससे थोड़ा सा अच्छा फील होगा। और ठंडा ठंडा भी था, कितना गर्मी था वहाँ पे तो थोड़ा ठंडा ठंडा फील हुआ। और यहाँ का रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ का, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ का रास्ता। इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था स्कूटी चला के, बट ये अपने बाइक को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, इनफील्ड को बहुत मिस कर रहे थे। बट ये बोल रहे थे कि अगर बाइक होता तो बहुत मज़ा आता, और सच में इनफील्ड में बहुत कम्फर्टेबली मुझे भी बहुत कम्फर्टेबल फील होता है। बट कोई नहीं, स्कूटी से ही हम लोग काम चला रहे थे, कोई नहीं, स्कूटी से ही बाइक का फील कर रहे थे। बट कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप अगर वहाँ पे गोवा में घूमने उमने जाते हैं तो आप रेंट पे ही बाइक कार या कुछ ले लीजिएगा, जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा था। तो ये आपका बहुत सस्ता पड़ेगा, ऐसे अगर आप टूरिस्ट बस वगैरह या कार वगैरह लेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। ये मेरे आइडिया से है क्योंकि हम लोगों ने पूछा था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ आपका मन, आप जैसा जाना चाहो वैसा, कोई बात नहीं है कि आपको बाइक स्कूटी वगैरह में, बट वहाँ पे बाइक कार सब कुछ रेंट में मिलता है। तो हम लोगों ने स्कूटी लिया इसीलिए क्योंकि हम तो कलकत्ता में भी बाइक में घूमते हैं, हर जगह ही बाइक में घूमते हैं और गाड़ी में भी घूमते हैं। तो चलो स्कूटी ले लेते हैं, स्कूटी में तो कभी घूमते नहीं है, तो चलो स्कूटी का भी मज़ा ले लिया जाए यहाँ पे कम से कम। तो इसीलिए स्कूटी, और इनको तो स्कूटी चला के सच में बहुत मज़ा आया। और ये कलकत्ता आके तो स्कूटी लेने का सोचे थे कि कलकत्ता आएंगे तो स्कूटी लेंगे, तो वो बात का बात प्लानिंग है, देखा जाएगा। तो फिलहाल हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे ये ट्रिप को। तो चलिए आप लोग देखते रहिए और आगे भी बहुत मजे होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पे, आगे आगे आप लोग को बहुत एंजॉय होगा। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, और ये देखिए मैं आपको लिस्ट भी दिखा दे रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको लेके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 7 पैसेंजर 500 रुपीज़ दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए 2 या 3 जन का, आप दो जन या तीन जन रहोगे तो पर पर्सन 1100 रुपया करके लगेगा। तो कोई मतलब नहीं बनता है, 1100 रुपया बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर यहाँ पे किस मेरे हस्बैंड ने, यहाँ पे 2-3 जन और भी थे तो उन लोगों का भी 3 जन था, तो 1100 रुपया करके लगेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने उन लोगों के साथ बात करके ग्रुप बना लिया। तो देखिए हस्बैंड बात भी कर रहे हैं उन लोगों से, तो यही ग्रुप है जो हमारे साथ गाड़ी में जाएंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आप लोगों को फिर से हाई कर रहे हैं। तो जो भी है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ शायद 40 रुपीज़ ऐसा कुछ जैकेट का भी लेगा। तो जो आपका लाइफ जैकेट है उसका अलग पैसा लगा था। और यहाँ से ही हम लोगों को टिकट वगैरह मिलेगा, तो हम लोग यहीं से टिकट कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को यहाँ से गाड़ी नंबर भी दिया जाएगा, तो हम लोग उसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो हम लोग गाड़ी पे बैठ गए हैं, और गाड़ी पे बैठने के बाद बहुत बुरी हालत में, मतलब कितना मुश्किल से कैमरा पकड़ के रखी हूँ मैं ही जानती हूँ। गाड़ी इतना जर्किंग कर रहा था, मैं तो सोची कि मैं वीडियो नहीं निकालूंगी, पर नहीं, मैं सोची कि नहीं क्यों ना मैं आप लोगों की, मैं जब इतना कुछ शेयर करी हो तो ये चीज़ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इसीलिए मैं कैमरा उठा लिया, जैसा भी हुआ मैं रिकॉर्ड करी आप लोगों के लिए। तो यह रास्ता देख रहे, पूरा जंगल और पूरा खाई भरती था, मतलब पूरा साइड में खाई था। गाड़ी ऐसे चल रहा था ना कि मुझे, हम लोगों को डर भी लग रहा था, यहाँ पे जितने जन गाड़ी में बैठे हुए थे सब डर रहे थे कि कहीं गाड़ी खाई में गिर गया तो बस हम लोग सब एक बार में ऊपर। तो बहुत डर भी लग रहा था, मैं वीडियो खाई का नहीं निकल पाई क्योंकि मैं दूसरे साइड बैठी हुई थी, और इसलिए मैं वो वीडियो नहीं निकाल पाई।
और ये हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। हम लोगों को करीब करीब 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी से उतार दिया गया है। इसके बाद हम लोगों को बोला कि आपको पैदल चलना होगा, तो यहाँ से हम लोग लाइफ जैकेट पहन लिए थे। लाइफ जैकेट पहन के यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे, तो देखते रहिए आप। आप ये रास्ता देख रहे हो कैसा है रास्ता, तो पूरा पत्थरों के बीच में से ये रास्ता निकाला गया है। तो इसी रास्ते से हम लोग चढ़ चढ़ के जा रहे थे। मेरे पैर में पेन होने लगे थे और मेरे हस्बैंड मुझे खींच खींच के लेके जा रहे थे। मतलब ये पत्थर इतना ऊंचा ऊंचा पत्थर है ना, चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये पहुंच गए हम लोग दूध सागर वाटरफॉल, और कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा रेड रेड सबको दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब ने यूनिफॉर्म पहना है, पर ये सब लाइफ जैकेट है, सबको लाइफ जैकेट पहनना ही पड़ेगा। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बट नीचे बहुत सारे पत्थर है, बोल के बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगेगा। पर मैं तो पानी में उतरने से भी डर रही थी। और यहाँ ऊपर से ट्रेन जाता है, आप यूट्यूब या गूगल में देखिएगा कभी सर्च करके, पर मैं तो ट्रेन देख ही नहीं पाई। बहुत देर तक वेट कर रही थी ट्रेन का, पर कोई ट्रेन नहीं देख पाई मैं। एनीवेज तो ये मैं पानी में उतर ही नहीं रही थी, एक किनारे में जाके सिर्फ पैर डुबा के बैठी हुई थी। पर मेरे हस्बैंड जोर जबरदस्ती मुझे खींच के यहाँ तक बीच में लेके आए हैं। बोला कि तुम बीच में खड़ी रहो, यहाँ पर नीचे पत्थर है तो आप खड़े हो सकते हो आराम से, नहीं पर हाँ बैलेंस बना के आप खड़े हो सकते हो। तो मैं वही बैलेंस बना के खड़ी थी और वीडियो निकाल रही थी। तो डर भी लग रहा था कि कहीं पैर स्लिप कर गया तो पूरे पानी के अंदर, पर आप डूबोगे नहीं, लाइफ जैकेट है। तो यहाँ पे मैं स्विमिंग भी करते हुए आपको दिखूँगी, मेरे हस्बैंड मुझे स्विमिंग सिखा रहे थे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और यहाँ मैं स्विमिंग करते हुए मेरे हस्बैंड मुझे स्विमिंग करना सिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्विमिंग करी और बहुत अच्छा लग रहा है। ये धूप का रोशनी जब चेहरे पे पड़ रहा है और पानी इतना ठंडा ठंडा, तो बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा था। और पानी सच में बहुत ठंडा था, जब हम लोग पहली बार उतर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बर्फ़ के पैर, बर्फ़ वाला पानी में पैर दे रहे हैं। तो जब उतर गए थे उसके बाद तो नॉर्मल हो ही जाता है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे में। तो चलिए देखते रहिए। तो हम लोग निकल गए हैं और हम लोगों ने चेंज वेंज कर लिया था वहीं पे ही, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह है तो हम लोग वहीं पे चेंज कर लिए थे। और जब मैं चेंज करने गई थी ना, तब मुझे ट्रेन का आवाज आया और मैं ट्रेन नहीं देख पाई वहाँ पे। तो ये था मेरा बैड लक कि मैं ट्रेन नहीं देख पाई ऊपर से जाते हुए। तो एनीवेज ये ऊबर खावर रास्ता से वापस हम लोग जा रहे हैं। तो अभी थोड़े देर ही मैं वीडियो निकाली, उसके बाद मैं सो गई थी रास्ते में। बहुत भयंकर नींद आ रहा था और भूख भी बहुत तेज का लगा हुआ था। तो यहाँ से हम लोग निकल के फिर वहाँ पर खाएँगे। तो चलिए वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए यहाँ का तो हो गया घूमना फिरना, बाल बाल अच्छे से बांध लिया क्योंकि स्कूटी में बहुत बाल वगैरह होता है। अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। शायद चर्च जाएंगे, यहाँ पे बाइक को पार्क कर दिए थे हम लोगों ने। अच्छा जगह है, आप लोग भी आइएगा। चलिए पहले निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं चर्च, और ये चर्च के साथ साथ म्यूज़ियम भी है। सामने चर्च का काम हो रहा था इसलिए चर्च में जाने नहीं मिला हम लोगों को, तो हम लोग पीछे म्यूज़ियम में गए थे। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मुझे कलर कहाँ से लगा, तो हम लोग कहीं पे चाय दुकान मतलब चाय वाय पीने के लिए रुके थे, तो वहाँ पर कुछ बच्चे रंग होली खेल रहे थे।
तो वही लोग थोड़ा सा लगा दिए, तो थोड़े से फेस पे और थोड़े से माथा में लगा दिए। और ये फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा पिंक पिंक और येलो येलो। तो यहाँ पे ये देखिए काम वगैरह चल रहा है चर्च में, तो इसलिए चर्च के अंदर तो जाने को नहीं मिला। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी म्यूज़ियम में। यहाँ से 20 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, यहाँ पे 20 रुपीज़ करके टिकट मिल रहा था, उसके बाद अंदर जाने को दिया। और ये देखिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ है। तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए कर दी हूँ क्योंकि वीडियो भी बहुत लेंदी हो रहा था, क्योंकि सारे वीडियो पूरा चीज़ तो मैं आपको एक वीडियो पे दिखा नहीं सकती। वीडियो होता है 11 मिनट 12 मिनट का, तो पूरे वीडियो पे इतना बड़ा कवर करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। बट आप लोग गोवा जाएंगे तो ज़रूर से चर्च जाइएगा और देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ के साथ में एक नोट भी दिया हुआ है, कौन सा चीज़ कब का है, किसका है, कौन यूज़ करता था, कितने साल का पुराना का है। तो ये सारे नोट छोटे 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 दिए हुए हैं, तो आप लोग ये ज़रूर से जाइएगा देखने के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एक आप वो थोड़ा सा टच करना और सब जगह देखिए कि करके लाइट जलने लगेगी, और ऊपर स्क्रीन में जहाँ जहाँ लाइट जल रही है ऊपर स्क्रीन में हर चीज़ के बारे में बताते जाएगा। तो यहाँ पर मैं वॉइस दे रही थी इस कारण मैं म्यूट कर दी थी, नहीं तो यहाँ पर पता चल रहा था कि ऊपर में जो जो जगह की लाइट जल रही है ऊपर में बता रहे थे। ये देखिए मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छा लगा, आप जहाँ जहाँ पैर रखोगे ना तो वहाँ पे लाइट वाइट लाइट जल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ तो। सो ये है शिव जी का मंदिर, जो लता मंगेशकर जी जो हमारी सिंगर है वो बनवाई थी ये गोवा में ये मंदिर। बट हमारा बैड लक था कि हम लोग लेट पहुँचे, ये मंदिर 8-6 बजे तक ही खुला रहता है और हम लोग 8 बजे पहुँचे थे, तो जाने के बाद पता चला कि ये मंदिर बंद है। तो चलिए इसके बाद हम लोग और कहीं नहीं गए थे, इसके बाद सीधा हम लोग होटल चले गए थे अपने रूम में, और वहीं पे खाना वाना ऑर्डर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसीलिए और कहीं गए नहीं। और जब कहीं गए नहीं तो और वीडियो भी क्या निकालती, तो यहीं तक मैं वीडियो को स्टॉप कर दी थी। और चलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, एंड फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में छोटे से बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरे वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।